तो रजत जयंती समारोह के मौके पर पहुंची नेशनल वॉइस की टीम हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाने में जुटी है। चप्पे चप्पे पर नेशनल वॉइस के संवाददाता मौजूद हैं और इस दौड़ में हमारे संवाददाता शिवा तिवारी ने भी जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ पाया उन्होंने। समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस यानी रजत जयंती समारोह में बड़ी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोगों की भीड़ है वो यहां पर पहुंच रही है। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से जो लोगों की एंट्री की जा रही है, लोग यहाँ से बड़ी तादाद में लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पार्टी के कार्यकर्ता है, पूरे प्रदेश से आए हुए कार्यकर्ता हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। भारी भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से दूर दूर तक गाड़ियों की कतारें लगी हैं, यानी जिस तरीके से व्यवस्था की गई है जनेश्वर मिश्र पार्क में एंट्री के लिए, लोग जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग गेट बनाए गए हैं और अलग अलग गेट से लोगों के एंट्री की व्यवस्था की गई है। वाहनों का प्रवेश काफ़ी दूर से रोक दिया गया है ताकि अंदर किसी तरीके की असुविधा ना हो और बड़ी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है। बड़ी तादाद में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर पुलिस कंपनियां, पीएसी कंपनियां और दूसरे जिलों की को भी यहाँ पर बुलाया गया है ताकि जो पूरा समारोह है वो यहाँ पर आराम से चल सके, किसी तरीके की उसमें बाधा ना उत्पन्न हो। क्योंकि जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है पूरे प्रदेश से करीब 3 से 4 लाख की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस तरीके से रथ यात्रा, विकास रथ यात्रा अखिलेश यादव की शुरू हुई थी, एक तरह से माना जा रहा था कि अखिलेश यादव की का वो शक्ति प्रदर्शन था और आज यहाँ पर संगठन का शक्ति प्रदर्शन है। जिस तरीके से ये आयोजन किया गया है और पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाया गया है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। हालांकि अखिलेश यादव के आह्वान के बाद यहाँ पर जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों की तादाद यहाँ पर बढ़ रही है, भीड़ जो बढ़ रही है। हालांकि एक दिन पहले ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह ने कह दिया था कि जो पार्टी से निष्कासित लोग हैं वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुँचेंगे, उनको अंदर एंट्री ना दी जाए, जिसके लिए पुलिस को भी बाकायदा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जो संख्या है कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद में यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। कैमरामैन सलीम के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ। जय हिंद।